हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूमी और मेरे चैनल रूमीज म्यूजिक कुकिंग एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए पाउडर मिल्क, तो मैंने यहाँ पे 2 कप पाउडर मिल्क ले लिया है और ये 240 ml का कप है। तो इसी कप का मैंने 2 कप पाउडर मिल्क ले लिया है और 1 कप मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है। और देसी घी चाहिए हमें 2 टेबल स्पून और सूजी चाहिए जो 5 टेबल स्पून। मैंने इसको आधा घंटा पहले हल्का गुनगुना पानी में भिगो दिया था। और चाहिए हमें 5 टेबल स्पून मैदा और थोड़ा सा पिस्ता को मैंने चॉप करके रखा है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं स्टफिंग के लिए इसको यूज़ करूँगी। और चाहिए हमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, आपके पास जो अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा यूज़ करना है हमें। और चाहिए हमें तलने के लिए कोई भी सनफ्लावर ऑयल हो या जो कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। शुगर सिरप के लिए मैंने यहाँ पे उसी कप का ही 4 कप मैंने पानी ले लिया है, उसी कप का ही 4 कप हमें चीनी चाहिए और थोड़ा सा हमें रोज एसेंस चाहिए और थोड़ा सा केसर चाहिए। तो मैंने हॉट प्लेट ऑन कर दिया है और 2 टेबल स्पून हमें घी ऐड करना है। ये 2 टेबल स्पून घी को पहले मेल्ट होने देंगे। तो अब घी मेल्ट हो गया है, इसमें मैं ये जो 1 कप दूध रखी हूँ इसे ऐड कर दूंगी। और इसमें ये जो पाउडर मिल्क है 2 कप पाउडर मिल्क भी ऐड कर देना है। और इसको कंटिन्यू हमें ऐसे चलाते हुए बहुत कम गैस पे इसको पकाना है। तो मैं अभी इसको लो हीट में पकाऊंगी। इसे हमें खोया बनाना है, तो ये पूरा जैसे कढ़ाई से निकालने लगेगा तब हमें इसको बंद करना है। थोड़ा सा इसको पहले पका लूँगी। इसको कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग सकता है। तो देखिए ये जो खोया है कम हीट पे ये अच्छे से अभी एक जगह होने लग गया है और कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो ऐसे इतना नरम रहते हुए हमें इसे बंद कर देना है। खोया को बहुत ज़्यादा देर तक पका के टाइट नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे नरम ही उतार लेना है। अब ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और सख्त हो जाएगा। तो अभी शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 4 कप पानी पहले से ही ले लिया था, अब उसी में 4 कप चीनी डाल दूंगी। अब चीनी को भी थोड़ा सा हिलाते हुए पूरा उबाल आने तक इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं अब चाशनी में उबाल आ गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा केसर ऐड कर दूंगी। और इसी के साथ ही साथ इसमें रोज एसेंस ऐड कर दूंगी 10-12 ड्रॉप्स। और इसको 1 मिनट तक उबाल के बंद कर दूंगी। तो चाशनी को मैंने बंद करके ढक दिया है। यहाँ पे मेरा बिल्कुल खोया जो है ठंडा हो गया। अब इसमें ये जो भिगोया हुआ सूजी है इसको मैंने ऐसे स्ट्रेनर में छान लिया है, इसको ऐड कर दूंगी। और इसमें 5 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देना है। पहले मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है, 2, 3, 4 और 5। अगर थोड़ा सा लूज लगे तो फिर भी आप, अगर आपका खोया थोड़ा सा ढीला रह जाता है तो थोड़ा सा आप इसमें मैदा थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल ये परफेक्ट नाप का ही है, तो इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा मैं बेकिंग सोडा को ऐड करूँगी। इसमें ये 1/4 टीस्पून मैं बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो मैंने इसका डो बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं है, एकदम परफेक्ट डो है। इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ढक के छोड़ दूंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खोया पहले से लेके रख दिया था, इसको मैं इसके साथ ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर लूँगी। अब 10 मिनट हो गया है, मैंने थोड़ा सा हाथों में घी लगा लिया है और इसका छोटा छोटा भी बॉल बना लेना है हमें। तो इसके बीच में थोड़ा थोड़ा ये ड्राई फ्रूट्स का फिलिंग डाल देंगे और इसको बॉल ऐसे बॉल की तरह बना लेंगे। एकदम स्मूथ होना चाहिए, कहीं से भी क्रैक्स नहीं आना चाहिए इसमें। तो ऐसे सारे बना लूंगी। तो यहाँ पे मैंने काफी सारे बॉल्स बना लिया है। अब इसको तलने के लिए हम तेल गरम करने रख देते हैं। अगर एक बार में ज़्यादा बॉल्स आपने बना लिया तो इसको हल्का गीले कपड़े से ढक के रखिएगा। तो तेल मैंने रख दिया है और बहुत ही हल्का गरम तेल होना चाहिए, एकदम स्लो फ्लेम पे हमें इसको तलना है, नहीं तो ये एकदम से ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से अच्छे से तलेगा नहीं। तो एकदम कम गैस पर हमें इसको तलना है। और आपको लगे कि थोड़ा सा भी हल्का ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप ऐसे थोड़ा सा इसको ऊपर करके रख दीजिए कि इसमें फ्लेम ना लग पाए, तेल थोड़ा और ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसको धीरे धीरे तलने से ही तभी ये बढ़िया सा गुलाब जामुन बनेगा। और मेरा ये सबसे बिल्कुल लो वाला में ही दिया हुआ है, तब भी थोड़ा सा गर्म ज्यादा हो गया है अभी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ। एकदम स्लो फ्लेम पे ही हमें तलना है। हल्के हाथों से इसे घुमा देना है और ऐसे घुमा घुमा के इसको पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तल लेना है। तो आप देखिए पूरा अच्छे से गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो आप सारे गुलाब जामुनों को मैं निकाल के और सीधा जो चाशनी हम पहले बना के रख दिया है उसी में इसको डाल देना है। वो चाशनी अभी भी काफ़ी गर्म है। और इसको ढक के रख देना है। अब फिर सेकेंड बैच का सारे गुलाब जामुन इसमें फिर दोबारा हमें डाल देना है। देखिए सेकेंड बैच का भी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब सारे गुलाब जामुन को मैं निकाल लूंगी और ऐसे ही सारे तल लूंगी। लास्ट बैच का मेरा ये गुलाब जामुन तल रहा है और जो फर्स्ट बैच में मैंने बनाई थी और सेकंड बैच में बनाई थी, ये सारे गुलाब जामुन देखिए कितना बड़ा बड़ा और पूरा एकदम रस से भर के पूरा बड़े साइज़ का गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए कितना बढ़िया गुलाब जामुन बना है, बिल्कुल बाजार के जैसे गुलाब जामुन बनते हैं। घर में अगर आप एक बार ट्राई करेंगे और इतना बढ़िया गुलाब जामुन अगर बनेगा तो आप बाजार से भी नहीं खाएंगे, इतना बढ़िया गुलाब जामुन बनता है। ये रेसिपी जरूर एक बार ट्राई कीजिए। अब मैं एक गुलाब जामुन काट के आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना जूसी और कितना बढ़िया परफेक्ट सिका हुआ गुलाब जामुन है। देखिए इतना बढ़िया खाने में स्वाद है इसका। अब जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कभी भी आपका ये रेसिपी फ्लॉप नहीं हो सकता है, हमेशा बहुत बढ़िया बनेगा। तो जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आज के ये रेसिपी अगर आपको पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आपको अगर पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करते ही जो बेल आइकन आते हैं उसे प्रेस कीजिएगा तो मैं जो न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसे देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।